तो गाइस हम पहुंच चुके हैं शिरडी। मैंने अभी जस्ट देखा तो पता चला कि हमारी जो एंट्री थी शिरडी में वो रिकॉर्डिंग ही हुई क्योंकि बैटरी हो गई लो। तो अभी हम चेक इन कर चुके रूम में। अब देख सकते हैं सामान थोड़ा बिखरा हुआ है यहाँ पे, बट इट इज़ अ वेरी गुड रूम। ये शाइन बोर्ड का रूम है, काफ़ी अच्छे रूम होते हैं इनके, साफ़ सुथरे होते हैं। इसमें आपको टीवी वगैरह नहीं मिलेगा लेकिन अच्छी साफ सुथरी जगह सोने के लिए और वॉशरूम अच्छा मिलेगा। एंड दिस इज़ जस्ट 600 रुपीज़ फॉर एन एसी रूम, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। तो चलो फिर अभी हम यहाँ से मंदिर जा रहे हैं, आपको मिलते हैं बाद में। सो गाइस अभी हम ये साई आश्रम जो एकोमोडेशन है जहाँ पे हमारा, यहाँ से हम अभी मंदिर की तरफ जा रहे हैं फॉर द दर्शन। तो अब आपको मैं दिखाता हूँ ये कैसे दिखता है। देखोगे ये काफ़ी खूबसूरत है। द रूम्स आर वेल केप्ट, वेरी क्लीन, एम्बियंस इज गुड। आसपास का जो एरिया है उसको ब्यूटीफाई किया है। तो गाइस अभी हम ये साई आश्रम के बाहर जा रहे हैं टुवर्ड्स द टेम्पल। काफ़ी बड़ा है, दिस आर 1000 रूम्स, टोटल 1000 रूम्स यहाँ पे बनाए गए हैं और नो प्रॉफिट नो लॉस के बेसिस पे ये श्रद्धालुओं को दिए जाते हैं। हम लोग अभी मंदिर पहुंच चुके हैं। हमारा जो अकोमोडेशन है वो मंदिर से 1 किलोमीटर दूर है और ये यहाँ का बस डिपो है शिरडी का, इसके पास में ही मंदिर है। अभी हमें ये कैमरा और मोबाइल फोन वगैरह सब डिपॉजिट करना पड़ेगा क्योंकि मंदिर में ये अलाउड नहीं है। इनफैक्ट आप शिरडी आ रहे हो तो यहाँ पे आपको फूल या फिर कोई प्रसाद वगैरह लेके जाना है तो वो अलाउड नहीं है अंदर। तो आप आओगे तो ये सब मत लेके जाइए क्योंकि आपको फिर उसको गेट पे डिपॉजिट करना पड़ेगा, अंदर लेके जाने नहीं देंगे। तो चलो फिर अभी हम पहुँच चुके हैं मंदिर, तो पार्किंग ढूंढते हैं और बाबा के दर्शन करते हैं फिर आपसे मिलते हैं। तो गाइस हमने अभी बाइक पार्किंग कर ली है, इट वॉज़ अ फ्री पार्किंग। बस उनसे प्रसाद लेना पड़ता है लेकिन प्रसाद तो अंदर जाना अलाउड नहीं है तो हमने लेके वहीं पे रखा है, जाते समय हम लेके जाएंगे। अभी हमको जाना है लॉकर रूम जहाँ पे ये कैमरा मोबाइल और बाकी की सब चीज़ें हम डिपॉजिट करेंगे। तो फिर चलो चलते हैं। सो गाइस हमारे दर्शन हो चुके हैं अभी और अभी मंदिर के बाहर जा रहे हैं हम। काफ़ी भूख लगी है तो अभी जो संस्थान का प्रसादालय है वहाँ पे जाके हम अभी खाना खाने का सोच रहे हैं। अच्छी बात है कि हम हमारी बाइक एक बाइक लेके आए साथ में और बाहर ही पार्क करिए, नहीं तो फिर यहाँ पे हमारा जो अकोमोडेशन है वो 1 किलोमीटर इस तरफ है और जो फूड का जो मतलब जो प्रसादालय है वो राइट में एक तरफ 1 किलोमीटर आगे है। तो अभी हम जाते हैं कुछ खाते हैं और फिर आपसे मिलते हैं। तो गाइस हम सोच रहे थे कि गाड़ी लेके जाएंगे प्रसाद अलग, लेकिन जहाँ पे हमने गाड़ी पार्क की थी जिनसे हमने प्रसाद लिया उन्होंने सजेस्ट किया कि वहाँ पे वापस पार्किंग आपको ढूंढना पड़ेगा, फिर वहाँ पे भी पार्किंग का अलग से पैसा लगेगा। तो बस थोड़ी दूर है, आप चल के जाओ और गाड़ी वहीं पर रहने दो। तो अभी हम थोड़ा चल के जा रहे हैं ताकि थोड़ा वॉक भी हो जाए। वैसे भी हमें कुछ करना नहीं है, अभी सिर्फ खाना खाना है और फिर रूम में जाके पैसे सोएंगे या पता नहीं क्या करेंगे। तो गाइस अभी हम भोजनालय आ चुके हैं, आप देख सकते हैं यहाँ से एंट्री है। ये आप देख सकते हैं ऊपर लिखा है श्री साई प्रसादालय। टोकन ले चुके हैं हम, अभी हम जा रहे हैं टुवर्ड्स द डाइनिंग हॉल और मैंने यहाँ का खाना बहुत बार खाया
बट इनफैक्ट मैं प्रेफर करता हूँ कि यहाँ पे आए तो ये जो प्रसादल है यहाँ का खाना खाएं, क्योंकि उसमें एक अलग फील है, जो वाइब्स आते हैं ना वो खाने में, मतलब इट्स अ वेरी डिफरेंट थिंग। तो चलो, अरे यार आप देख सकते हो भीड़, देख सकते हो, देखो ये है भीड़। तो चलो कोई नहीं, जितना भी टाइम लगे आए हैं तो अभी खा के ही जाएंगे। आप देख सकते हो कितना बड़ा है, तो खाना आ गया है और तो हम लोग खाना खाते हैं, बाद में आपको मिलते हैं और बताते हैं कैसा था हमारा एक्सपीरियंस खाने का। वैसे तो अच्छा ही रहेगा क्योंकि मैं बहुत सालों से यहाँ पे आके खा रहा हूँ, एंड इट्स नॉट अबाउट द फूड, इट्स नॉट अबाउट द मनी, इट्स अ फीलिंग दैट यू गेट आफ्टर हैविंग दिस समथिंग वेरी डिफरेंट, जो आपको बाहर खाओगे आप कितने भी पैसे देके वो नहीं मिलेगा आपको। तो गाइस खाना हो चुका है, जैसे मैंने कहा इट इज़ वेरी फुलफिलिंग, मतलब ये खाना खा के जो मज़ा आता है आप नहीं, मैं वर्ड्स में आपको नहीं बता सकता। देखिए फिर से उतनी ही लाइन है, ये लाइन ऐसी रहती है, इतने लोग आते हैं शिरडी में कि आप बोल नहीं सकते, इतने लोग एक ही सेकंड में अंदर जाएंगे और उतने लोग वापस फिर से बाहर रहेंगे, और द वे दे आर मेंटेनिंग इट, मतलब जो मैनेजमेंट है काफ़ी अच्छा है। दो राउंड खाने के आते हैं, वो परोसते हैं एंड देन दे मूव टू द न्यू टेबल। तो चलो गाइस अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं, तो मिलते हैं आगे। और एक चीज़ मैं आपसे कहना भूल गया, ये यहाँ पे जो खाना बनता है ये बिल्कुल गैस वगैरह इस्तेमाल नहीं होता, दिस इज़ प्योरली मेड ऑन सोलर एनर्जी। ये आप ऊपर देख सकते हो, ये वो मिरर्स है, तो ये मिरर्स पे सनराइज रिफ्लेक्ट होती है और ब्रॉयलर है, ब्रॉयलर का पानी गर्म होता है और उस स्टीम पे ये खाना बनता है। मेगा किचन एक डिस्कवरी पे प्रोग्राम आता था, उसमें शिरडी का ये जो भोजनालय है या फिर प्रसादालय है इसके बारे में एक पूरा एपिसोड है, तो आप सर्च करके देख सकते हो। तो गाइस अभी हम पाकी में आए थे, तो ये भाई साहब से बात हुई हमारी, क्या नाम है आपका? अर्जुन। तो इनका ये छोटा सा स्टॉल है जहाँ पे ये प्रसाद वगैरह बेचते हैं, और आप इनसे प्रसाद लेते हो तो आपको यहाँ पे पार्किंग फ्री में मिलती है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये इनकी पार्किंग स्पेस है, तो यहाँ पे आप फ्री में पार्किंग कर सकते हो, सिर्फ आपको इनसे प्रसाद लेना पड़ेगा। सो गाइस अभी हमने थोड़ा आराम किया एक घंटे के लिए, अभी 5:30 हो रहे हैं, तो हमने सोचा चलो नीचे जाके थोड़ा चाय पी लेते हैं, फ्रेश हो जाते हैं, थोड़ा मार्केट घूमेंगे। वैसे तो कुछ करने के लिए बचा नहीं अभी, ऐसे ही थोड़ा घूम फिर के वापस आ जाएंगे खाना वाना खा के एंड देन सो जाएंगे। तो चलो अभी हम आपको दिखाते हैं शिरडी का मार्केट थोड़ी देर में, पहले चाय भी पीते हैं बाद में निकलेंगे। तो गाइस अभी हम चाय पीने आए हैं यहाँ पे, तो ये शाइन बोर्ड का टी कैंटीन है, आप देखो कि चाय की कीमत 2 रुपये, कॉफ़ी की 3 रुपये और दूध की 3 रुपये, तो काफ़ी डिस्काउंटेड प्राइस में। जब मैं बोलता हूँ कि ये डिस्काउंटेड है, दैट डजंट मीन ये सब ग्रेडेड है या क्वालिटी अच्छी नहीं है, दिस इज़ द बेस्ट ऑफ द क्वालिटी दैट यू गेट एट अ डिस्काउंटेड प्राइस। तो काफ़ी अच्छी सुविधा बनाई है श्राइन बोर्ड ने यहाँ पे, जो यात्री आते हैं बाबा के दर्शन करने के लिए, इट्स गुड। अभी हम जहाँ पे रह रहे हैं यहाँ पे 1000 रूम्स है, इसके अलावा इनके और भी कहीं अकोमोडेशन है, और काफ़ी लोग आते हैं यहाँ पे, मतलब दूर दूर से आते हैं, ऑल ओवर इंडिया से। तो चलो अभी हम लोग चाय का स्वाद लेते हैं और फिर बाद में आपसे मिलते हैं। तो गाइस आपको मैं यहाँ का एक फील देना चाहता हूँ, आप गाइस आप देख सकते हो यहाँ पे, दिस इज़ दी एंटायर अकोमोडेशन जो संस्थान का है यहाँ पे। ये सामने जो आप दिख रहे हैं ये सब नॉन एसी है, और जहाँ पे हम लोग रह रहे हैं ये सीधा जाते हैं जाके वो सब एसी रूम्स है यहाँ पे। तो देर आर टोटल 1000 रूम्स, अच्छी तरह से इसे ब्यूटीफाई किया है, काफ़ी खूबसूरत है, साफ सुथरा है। हम निकले हैं
निकले हैं वापस टू एक्सप्लोर द मार्केट और लड्डू प्रसाद। हाँ जी, अगर आप शिरडी आते हो लड्डू प्रसाद नहीं लेके जाते हो तो घर वाले चिल्लाएंगे। तो अभी हम जा रहे हैं, लड्डू प्रसाद लेंगे, थोड़ा मार्केट एक्सप्लोर करेंगे। अभी हम मार्केट में आ चुके हैं, हमें लेना है लड्डू प्रसाद। अभी भी आप देखोगे तो काफ़ी भीड़ है। अब शिरडी आओगे और भक्तों की भीड़ नहीं रहेगी ऐसा हो ही नहीं सकता है। 365 दिन यहाँ पे भीड़ रहती है, किसी भी टाइम पे आओ, सुबह से लेके रात तक। दिस इज़ अ मार्केट, आप देख सकते हो। आप ये देख पा रहे हो, दिस इज दी टेम्पल जहाँ पे साईं बाबा का मूर्ति है। हम जब भी बचपन में यहाँ पे आया करते थे तो ये चारों तरफ से एक्सेसिबल था, लेकिन इन दिस करंट सिचुएशन ये चारों तरफ से बंद किया गया है। इनफैक्ट आसपास मंदिर के आसपास भी घूमने नहीं देते ज़्यादा, आपको सीधा दर्शन करके बाहर आना है। एंड दिस इज द्वारका माई। पहले यहाँ पे बाहर से भी दर्शन मिलते थे, लेकिन कोविड के बाद ये मंदिर के अंदर से इसके दर्शन मिलते हैं, बाहर से एंट्री इसकी बंद कर दी गई है। चलो अभी हम यहाँ से बाहर से दर्शन लेते हैं द्वारका माई के और फिर आगे चलते हैं। तो गाइस अभी हम ये लड्डू प्रसाद की लाइन में खड़े थे, तो हमें यहाँ मुंबई के दो दोस्त मिले हैं, है ना मैम? तो ये मीरा रोड में रहते हैं। तो जैसे मैंने कहा था, शिरडी में लोग दूर दूर से आते हैं, तो ये तो काफ़ी पास रहते हैं। तो चलो फिर हम अभी प्रसाद लेते हैं, फिर आगे मिलते हैं आपको। तो गाइस हम लोग खाना खा के अभी हमारे अकोमोडेशन में वापस आ गए। सोचा चलो एक कॉफ़ी मारते हैं, थोड़ा अच्छा लगेगा। एंड कॉफ़ी मारने के बाद जाएंगे रूम में, थोड़ा टाइम पास करेंगे और फिर सोएंगे, क्योंकि अभी तक का जो प्लान है दैट इज़ कि हम लोग सुबह 6 बजे निकलेंगे, लेकिन अभी देखते हैं आगे कैसे चलता है। हे गाइस, गुड मॉर्निंग फ्रॉम शिरडी। और कल रात को हमें काफ़ी लेट हुआ तो वीडियो क्लोज करना मैं भूल गया, तो ये मैं कल का वीडियो अभी क्लोज़ कर रहा हूँ और आज का मैं शुरू कर रहा हूँ। तो अगर ये कल वाला आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।